जड़ मजबूत हो तो पेड़ मजबूत होता है, नींव मजबूत हो तो इमारत मजबूत होती है। उसी तरह स्त्री मजबूत हो तो समाज मजबूत होता है, क्योंकि स्त्री ही समाज की बुनियाद है। वेलकम टू स्त्री शक्ति। स्त्री का साहस, स्त्री की ताकत, स्त्री का जज्बा, स्त्री शक्ति को सलाम कर किसी भी बच्चे का जन्म पूरे परिवार के लिए खुशी का मौका होता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये खुशी सिर्फ बेटे के जन्म से होती है, बेटी से नहीं। बेटा हुआ तो अड़ोस पड़ोस में मिठाइयां बांटी जाएंगी, दावतें दी जाएंगी, नाच गाना होगा, जश्न मनाया जाएगा। लेकिन अगर बेटी हुई तो घर में मातम का माहौल छा जाएगा, उस बच्ची को कोसा जाएगा, गालियां बद्दुआएं दी जाएंगी, यहां तक कि उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। ये क्रूरता सिर्फ गुजरे वक्त का शर्मिंदा करने वाला इतिहास नहीं, बल्कि आज की शर्मनाक सच्चाई भी है। बेटियां कल भी मारी जा रही थी, बेटियां आज भी मारी जा रही हैं। आज की हमारी मेहमान वही बच्ची हैं, जिन्हें 53 साल पहले जमीन में गाड़ दिया गया था। तालियों से स्वागत कीजिए हमारी आज की मेहमान सुनीता अरड़ीकर जी का। सुनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्त्री शक्ति के मंच पर। सुनीता जी, यकीन नहीं होता, लेकिन आप ये बताइए कि जब आपके खुद के पिता ने आपको ज़मीन में गाड़ दिया तो आपको बचाया किसने? मैं पैदा हो गए तो 16 दिन में ही मेरी माँ गुजर गई। वो गुजरने के बाद मेरा पालन पोषण कौन करेगा? तो मेरे नाना जी ने कहा मेरे पिताजी से, ये तेरा बच्चा है और तू उसका संगोपन कर, वो तेरी बच्ची है, तू लेके जा। तो ये बताने के बाद पूरे रिश्तेदार, गांव के लोग उस पर बहुत प्रेशर डाला कि बाबा ये बच्चा तेरा है, तू ही लेके जाना, सही है। तो उसको बच्चे नहीं होना था क्योंकि मैं लड़की थी। उसको ऐसा लगा कि ये बच्चे बोझ है मेरे पर और ये बोझ हटाना तो है, तो इधर ही छोड़ के जाना है। मगर उस पर मेरे नाना नानी और गांव के लोग, रिश्तेदारों ने बहुत प्रेशर डाला और वो प्रेशर के नीचे वो दब गया और उसको ऐसा लगा कि अभी मेरी छुटका नहीं होती, मुझे कुछ भी करके बच्ची लेके जाना है। तो उसको बहुत गुस्सा आया और मुझे ऐसा आंगन में सुलाए थे और सब पूरे लोग ये बात कर रहे थे कि ये बच्चे का क्या कर रहे हैं, अभी ये बच्चा किसका है। तो मेरे पिताजी ने मुझे उठाया और हम तोड़ने लगा। तो इसी में मेरे नाना जी को ऐसा लगा कि ये गुस्से में है, ये जरूर कुछ तो बच्चे का पूरा कर सकता है। उनको चिंता थी मेरी और मेरे नाना जी उसके पीछे दबके पहुंचे, वो चलने लगे, उनको नजर नहीं हुई दोनों की। मेरे नाना जी उम्र ज्यादा थी जी, तो इतना चल नहीं पाते थे। तो
तो थोड़ा रास्ता क्रॉस करके जा रहे थे, उतने में मेरे पिताजी ने जिस दिन मेरे माँ को जाला था तो वहाँ पे वो गया। उस दिन बारिश भी पड़ी थी और बारिश की वजह से वो गांव में पानी जाकर बहुत ऐसा खड्डा हुआ था और उसमें से थोड़ी सी मिट्टी निकाली और उसमें मुझे जिंदा गाड़ दिया। और जिंदा गाड़ने के बाद वो भागने लगा तो मेरे नाना जी की नज़र वो दौड़ता है उस पर पड़ गई। तो मेरे नाना जी को लगा इसने बच्चे को कहाँ तो काटा कुपाटे, कहाँ तो कहीं रख दिया, कहीं तो डाला है, छोड़ दिया है। तो मेरे नाना जी ने थोड़ा ढूंढने की कोशिश की कि कहाँ से बच्चा रोता है, क्या उसकी आवाज़ आती है क्या, मगर मेरे नाना जी को आवाज़ नहीं आई। नाना जी बहुत दुखी हो गए और ये दुख के बजे से वो जिस जगह पर उनकी बेटी को मेरी माँ को जाला था वहाँ पे जाके हमारे इधर दुख करते हैं। तो ऐसा बोल रहे थे कि माँ मुझे माफ कर बेटा, तेरी बच्ची का मैं ख्याल नहीं रखा। तो उनकी नजर इधर उधर हो गई थोड़ी, तो वो खड्डे में अभी माती निकाली थी, ताजापन था उसमें और दो उंगलियां ऊपर दिख रहे थे उनके पेट में, क्या अब मालूम नहीं। उन्होंने वो खड्डा निकाले तो उसमें मैं थे और उन्होंने वैसा ही निकाला, पदे को लगाए और वो घर चले गए। क्योंकि घर जाना जरूरी था क्योंकि मेरी श्वास आखिरी श्वास हटकी थी। उस टाइम हॉस्पिटल नहीं था, कहाँ पे दवा पानी नहीं मिलती थी। इस वास्ते मेरे नाना जी ने मुझे लेके गए और बकरी का जो तबेला रहता है तो बकरी के बच्चे के साथ उसके गोद में मुझे सुला दिया। क्योंकि उसके बकरी के इसमें बहुत गर्माहट होती है, वहीं पे मेरे नाना नानी ने मुझे 5 दिन रखा और कपासी के इससे दूध पिलाया और मुझे बच्चा दिया। आपको जिंदा रहना था इसलिए आप हैं हमारे साथ। बिल्कुल, बहुत बहादुर हैं आप, रोने की कोई जरूरत नहीं। जब आपके नाना जी ने आपको बचाया उस वक्त आपकी हालत क्या थी? मतलब मेरे नाना जी की परिस्थिति बहुत बुरी थी क्योंकि हम पिछले जाति के थे, तो लोगों के जूते चप्पल दुरुस्त करके जो भी रोटी मिलती थी उस पर पूरा परिवार का गुजारते थे। ऐसे हालत में उनको बहुत डर था कि मैंने बच्चे को तो बचा लिया मगर वो छोड़ेगा नहीं, वो फिर से उसको मार डालेगा, मुझे छीन लेगा। इस वास्ते मेरे नाना जी ने खुद का गांव घर पूरा छोड़ दिया। और वो भी मेरे लिए 8 दिन के ज्यादा दिन कहीं पे रुकते नहीं थे क्योंकि उनको ऐसा डर था मैं 10 दिन तक रुकूंगा तो यहाँ पर आएगा और बच्चे को कुछ भी कर सकता है। जब मैं 3 बरस की होने जा रही थी तब तक वो घूमे और 3 बरस के बाद वो एक गांव में तुपड़ी बोल के है, निलंगा तालुका लातूर जिले में है अभी, तो वहाँ पे वो कायम रहने का उन्होंने निर्णय लिया। तो ऐसा ही छोटा मोटा काम करते थे, जो भी 1-2 रोटी मिलती थी वो सब बांट बांट के खाते थे और कभी नहीं मिलती तो भी खेत में जो भाजी आती है बारिश पड़ने के बाद वो भाजी लाते थे, खाली नमक डाल के वही खाते थे, थोड़ा पीठ है तो उसमें बढ़ाकर वो रोटी बनाते थे और पूरे परिवार के 4 लोग हम खाते थे। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने मुझे बड़ा किया। मेरे नाना जी की भी मेरी उम्र की एक बच्ची थी, मेरे नाना जी ने कभी दोनों में फर्क नहीं किया। नाना नानी खेत जाते, काम करने को जाते,
तो हम स्कूल जाके बैठते थे। स्कूल के अंदर हमको प्रवेश नहीं मिलता था तो हम पायरी सीढ़ी पर बैठते थे भारी। अंदर प्रवेश क्यों नहीं मिलता था आपको? क्योंकि हम पिछले जाति के थे तो हम दोनों बहनें वो सीढ़ी पर बैठते, वहाँ पे जो भी सिखाते बच्चों को वही हम देख देख कर दूर से सीख लेते। पार्टी पेंसिल के लिए पैसा नहीं रहता था, किसकी पार्टी टूट गई तो उसका छोटा सा टुकड़ा लेकर और मास्टर ने जो खड़ू लिख लिख कर जो छोटा सा रहता फेंक देते वो कचरे में कूड़े में, तो वही उठाकर हम उससे पढ़ना सीख रहे थे। मेरे नाना जी मुझे स्कूल में दाखिल करने के लिए स्कूल में चले गए तो टीचर ने मेरे नाना जी को बहुत गालियाँ दिया कि तुम्हारे जैसे पीछे वाले लोगों के लिए मदरसा नहीं रहती। तो मेरे नाना जी बोले कि बच्चों को लाइन लग गई है, वो थोड़े छांव में बैठ रहे हैं सीखने के नाम से तो उसका नाम ले लो। तो बहुत परेशानी के बाद वो गुरुजी बोले कि बहुत ठीक है मैं लेता हूँ, और उन्होंने नाम लिया। तो मेरे नाना जी ने खाली मुझे जिंदगी नहीं दी तो मेरे नाना जी ने मुझे उनका नाम भी दे दिया, और मैं अभी शिवकांता कुंडलिकराव माने बोल के मेरा दाखला स्कूल में हुआ। उसके बाद गणित विषय में मैं पूरे केंद्र में पहली आ गई। जब मैं चौथी पास होने के बाद पांचवी के लिए क्लास के लिए मुझे दूसरा गांव जाना था, और वो गांव था मेरे जन्मदाता पिताजी का, हम रोज आते जाते थे ये गांव से वो गांव। मेरे पिताजी को किसी ने तो बोला गांव में कि देख तेरी बेटी जो है वो सीख कर पढ़ कर बड़ी बन रही है, उसका कुछ ना कुछ तो तू बंदोबस्त कर, अच्छा नहीं तो ये बड़ी हो गई तो तुरे दुश्मन बन जाएगी। तो उन्होंने मेरे नाना जी से बहुत मीठी बातें की, नाना जी को पठाया और उसने अपने घर में हमको जगह दी। दूसरी औरत के साथ उसने विवाह रचा था आपके पिताजी पिताजी ने, और एक दिन उसने ऐसा किया कि एक रोटी रखी दूरी में, तो ऐसी रोटी देखी मैंने तो पूरा चमक रही धूप से। मैंने दूसरे पड़ोस वाले मेरे रिश्तेदार थे उनको बताया ये रोटी ऐसी कैसी है पता नहीं चल रहा, तो उसने उसको अच्छी तरह से देखी और बोले तू खाई क्या? तो मैं बोली पापा नहीं खाई, तो वो बोले अच्छा किया तुरे तेरे माँ ने इसमें विष डाला है, तुझे तुझे मारने का पूरा बंदोबस्त उसने किया है और तू मत खाना। और उसके बाद ये बात मेरे नाना जी को समझे, नाना जी बोले नहीं रहना इधर मेरे बच्चों को मैं लेके जाता हूँ, और फिर से हम आना जाना शुरू किए। जब हम 11वीं में दूसरे गांव बोर्ड के परीक्षा में जाने वाले थे तो उसी दिन मुझे फिर से मारने का उसने प्लान कर दिया, और गांव के तीन गुंडों को उसने सुपारी दे डाला। ये तीसरी बार आपको? तीसरी बार। और मेरा जो चाचा था उसको भी तैयार कर दिया, और जब मैं और मेरी मौसी गांव के बीच में आ गए, इधर थोड़ा गांव मेरा और इधर स्कूल का गांव, बीच में आए तो बीच में बहुत बड़ा खड्डा था, तो इस वास्ते हम ऊपर से जा रहे थे तो वहाँ पे वो दबा देकर बैठा था हमारी राह देखकर, वो झट से हमारे दोनों के सामने आ गया। वो देखकर हम दोनों बहना इतना भागे हम वहाँ से दौड़े, मेरी बहन वो नाना की बच्ची गिर गई वहाँ पे, तो मैं उसको उठाने के लिए आ रही थी हाँ। तब तक वो मेरा चाचा मेरा वहाँ आ गया और उसमें उसको देखा और उसको छोड़ दिया, उसको कुछ नहीं किया। तो मेरी नाना जी की बच्ची इतने चिल्लाई जोर से कि शिवा तू भाग, तुझे ही मारने मारने के लिए आए थे बस, हाँ तुझे ही मारने के लिए वो आया है हाँ। तू पळ, माझ्या बापाने एवढं तुझ्यासाठी केलंय हाँ। आज जर मारलं तर माझ्या बापाचं काय राहणार आहे, तू पळ शिवा।
आणि मी असं तो खूप पळत गेलं, मी किती पळणार? नांगरटीचं होतं, काटाकुट्याचं शेत होतं, मी किती पळणार? मला मर्यादा होती. अशा अवस्थेमध्ये तो माझ्या एम आल्यासारखा जवळ आलेला होता. मी घाबरून जोरात ओरडले आणि माझे किंकाळी एका शेळ्या राखणाऱ्या मुलाने ऐकले आणि तो मुलगा त्या किंकाळीच्या आवाजाच्या रोखाने दौडते आ गया और उसने पीछे से उसको लात मारे और वो मुंह पर जमीन पर गिरा. ऐसे पद्धत से मेरी फिर से मेरी जान बची और आज मैं तुम्हारे सामने हूं. जन्मदाता ही जान का दुश्मन बन जाए तो दुख नहीं होता, सदमा लगता है. सुनीता जी को भी इस सदमे से गुजरना पड़ा, लेकिन जिस आग से सुनीता जी जली उसी आग से इन्होंने लड़ने की ठान ली. बेटियों को मारने के खिलाफ, दहेज के नाम पर बहुओं पर अत्याचार करने के खिलाफ लड़ने को ही सुनीता जी ने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया और शुरू किया एक आंदोलन. आंदोलन विरोध का, आंदोलन आक्रोश का, आंदोलन बेटी बचाने का. बहुत सारे फैंस हैं आपके, लाखों करोड़ों महिलाएं आपकी फैंस हैं. आपने बहुत लोगों को इंस्पायर किया है, आप बहुतों का सहारा बनी हैं. लेकिन हमारे एक बहुत ख़ास मेहमान हैं जो आपके आई थिंक सबसे बड़े फ़ैन होंगे. वो आपसे इतना प्रेरित हुए हैं, आपकी अच्छाइयों से इतना प्रेरित हुए हैं, मिलना चाहेंगे आप उनसे? बिल्कुल, इतने जो बड़े फैंस हैं तो ज़रूर मिलना चाहूँगी. तो प्लीज़ आ जाइए, सुनीता जी बहुत बेकरार हैं आपसे मिलने के लिए. दिलीप जी आप खुद ही बताइए. नहीं 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 नहीं, सुनीता जी आप बताइए कि कौन है ये? ये मेरे जीवन साथीदार दिलीप परळीकर है. दिलीप जी बहुत बहुत स्वागत है आपका स्त्री शक्ति के मंच पर, बहुत खुशी हो रही है आपसे मिलके. सुनीता जी कैसा लग रहा है आपको? पता चला है. ये हमारा जबरदस्त सरप्राइज आपके लिए था. थैंक यू. सुनीता जी से तो बहुत सारी बातें हो गई, अब मैं दिलीप जी से जानना चाहूंगी, वो कब वो एहसास था जब आपको लगा कि आपको इनसे प्यार हो गया है? जो इनकी सौतेली मौसी थी तो दोनों में थोड़ी सी मिलती नहीं थी जी. ये काम बहुत अच्छा करती थी दवा खाने में, उसकी वजह से वो इससे जलती थी हमेशा. तो वो उसको इससे गुस्सा करती थी, इसके साथ तंटा करती थी. तो ये इसको ये बातें बोलने के लिए कोई नहीं था. तो ये क्या करती थी, हॉस्पिटल्स में जब मैं लैबोरेटरी में रहता था तभी वो मेरे पास आके मेरे को बोलती थी. तो इसने पूरी इसकी ज़िंदगी मेरे सामने रखी, ऐसा ऐसा हुआ करके. तो उस दिन से मेरे को उनके तरफ एक लगाव सा पैदा हो गया. मतलब आपसे सुनीता जी ने अपना दुख बांटा और आज आप सुख दुख के साथी हो. साथी अभी तक है. आप दोनों की इंटरकास्ट मैरिज है तो उसमें क्या क्या दिक्कतें हुई आप दोनों को? इंटरकास्ट मैरिज बोले तो इट्स ए सोशल स्टिग्मा मानते हैं लोग अपने घर में. तो मैं एक ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुआ था, तो अभी मैं मानता नहीं खुद को ब्राह्मण, तो लेकिन मैं मेरे माता पिता दोनों ब्राह्मण थे. तो मेरे पिताजी ने बहुत इसका विरोध किया. जो लोग बोलते हैं कि अभी अच्छा चल रहा है अच्छा चल रहा है, सब लोग जात मानते नहीं, लेकिन मेरी मैंने देखा है कि मेरे पिताजी ने जिस तरह से हमारे शादी का विरोध किया, वो कोई आदमी जिंदगी अच्छा आदमी सोच भी नहीं सकता इतने खराब तरीके से. उन्होंने कैसे विरोध किया, उन्होंने क्या किया? एक तो उन्होंने मेरे को पटाने की कोशिश की, तो इनको तुम अंगवस्त्र करके रखो और दूसरी बम्बन आदमी के साथ हम तुम्हारी शादी करके देते हैं. ऐसा बोलने के बाद मैंने उनको बोला कि आज से मैं तो, मेरे को इस बात की बहुत शर्म है कि मैं आपके घर में पैदा हुआ हूँ. तो उन्होंने इतनी तकलीफ दी कि हमको इसको बदनाम करने की कोशिश की, शायद ये लोगों के में अगर ये बदनाम हो गए तो मेरा इसका नाता टूट जाएगा. मेरे को ऐसा लगा अरे ये बहुत बदनाम हो गए, इसके साथ कैसा शादी करेंगे. इसको भगाने की कोशिश की, उन्होंने दो चार गुंडे लगाए. गुंडों ने ऐसा लाए थे कि वो गुंडे इसको लाना मेरे सामने, इसको पकड़ के लेके जाना घर से. लोगों ने बोला कि ये हमारे गाँव से भागी हुआ औरत है, इसकी शादी हमारे गाँव के आदमी से हो गई थी, वहाँ से भाग के आई, इसके लिए हम उसको लेके जा रहे.
मतलब साम दाम दंड भेद, आपके फैमिली ने आपकी शादी को तोड़ने की, इनसे अलग करने की पूरी मुमकिन कोशिश की, लेकिन आपने इनका साथ नहीं छोड़ा। हाँ नहीं। आप दोनों के प्यार के लिए। सुनीता जी, जैसा कि आपने बताया कि आपके पिताजी ने आपको मारने की कोशिश की और आपने बहुत कुछ झेला आपकी पूरी जिंदगी में, तो आपने उस दिन ये फैसला किया था कि आप ऐसा किसी और लड़की के साथ नहीं होने देंगी, तो आपने ऐसे कौन से कदम उठाए कि आप दूसरों का सहारा बन सके या उनको गाइड कर सके? जब हमारी शादी हो गई उसके बाद हमारे लातूर में एसटी डिवीजन आंदोलन हो गया। उस टाइम मैं हॉस्पिटल में काम करते थे, दो बच्चे जगह पर ही गए थे, मर गए थे, और बहुत से घायल स्टूडेंट हमारे हॉस्पिटल में आए थे, तो हम उपचार करते थे। और उसी में ही पहले दिन रात में हमारे घर में डॉक्टर कुमार सप्तर्षि रुके थे। अच्छा। कि जो युवक जो है उनके लिए वो संगठन युवक क्रांति दल बोल के एक संगठन चलाते थे और पूरा आंदोलन वो करते थे। तो उस दिन वो पुणे जा रहे थे ना, सब माहौल देखकर, गर्दी देखकर वो हॉस्पिटल में आ गए, क्या है इधर गर्दी कैसी है और रेल क्यों रुक गई, चलती क्यों नहीं ऐसा। हाँ। तो वो आने के बाद मैंने उनको बताया कि वो ऐसा ऐसा हो गया। फिर हमारे लातूर में कर्फ्यू लग गया। अच्छा। और कर्फ्यू लगाने के बाद ये गायब हो गए 3 दिन। क्यों, कहाँ गायब हो गए? वो आंदोलन करने के लिए एक चौक में बैठ गए। अच्छा। और वहाँ पे पुलिस का फायरिंग हो गया। ओ। सब लातूर बहुत परेशानी में था, कर्फ्यू था, आदमी दिखा तो गोली मारना ऐसा ऑर्डर था। और मेरे शादी होने के बाद 2-4 महीने में ही ऐसा हो गया। हाँ। तो मैं बहुत डर गई थी। और उनके 3 दिन के बाद फिर मैं हॉस्पिटल के एम्बुलेंस भेज कर इनको घर लाई। 3 दिन हॉस्पिटल में ही रहती थी? मैं हॉस्पिटल में ड्यूटी करते थे। तो उसके बाद मैं हम थोड़ा डिस्कस किए कि वो ऐसा नहीं वैसा नहीं, अपना पहला घर करना है, अपना अपना संभालना है, ऐसा वैसा। तो ये बोले वो तो होता है मगर ये भी करना है तुझे। और उसके बाद मैंने नौकरी छोड़ के वो सामाजिक कार्य युवक क्रांति दल से मैं जुड़ गई। मतलब वो इंसान आपके पति थे जिन्होंने आपको साहस दिया, आपको हिम्मत दी कि आप अपने लिए तो लड़ रही हैं, बिल्कुल दूसरों के लिए भी लड़ो। हमने सुना आप लोग, आपको जेल जाना पड़ा था अपनी पूरी फैमिली के साथ, उस वक्त आपके 2 बच्चे थे और आपके पति साथ में थे, तो वो उस किस्से को आप बताइए कि कैसे हुआ वो नहीं, क्या यही हुआ? तो मैं सामाजिक राजकीय काम करती थी, चळवळ, मृणाल गोरे, अहिल्याबाई रांगणेकर, इनके तालीम में मैं तैयार हुई थी। तो एक दिन ऐसा ही हो गया था कि अली औरंगजेब जी बोल के महाराष्ट्र के राज्यपाल थे, तो वो लातूर में आने वाले थे, तब भी मैं नगर सेविका थी लातूर में। तो आंदोलन तो करना था, उनको चले जाओ तो बोलना था। हाँ। उनका निषेध तो करना था। तो उन्होंने क्या किया, अगले पहले दिन सब मेरे साथियों को उन्होंने उठा दिया, अटक कर दिए, जेल में डाले और मुझे बाहर रख दिया। अच्छा, ऐसा क्यों? जंग के खिलाफ कुछ करना नहीं। उस टाइम अकाल पड़ा था महाराष्ट्र में। हाँ। और मराठवाड़ा में। तो अकाल पड़ने के बाद हमने ऐसा स्टैंड लिया, इतना अकाल है और राज्यपाल बंबई से आता है, दो उसके विमान आते हैं, इतना खर्चा होता है। उस टाइम 72-73 की बात है ये। हाँ। इतना पैसा क्यों खर्चा करना, पहले इधर लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है लोगों को। हाँ, और आप इतना खर्चा खर्चा करते, तो उसके खिलाफ हम एजिटेशन करने लगे, तो बाकी लोगों को पकड़ लिया और इसको मैं और एक दो साथी हम बाहर रह गए। तो आंदोलन करना है, उनको निषेध करना है, तो कैसा करेंगे, ऐसा सोचे थे। तो सब गांव में नाकाबंदी लगाई उन्होंने कि किसी को पास दिए, वो पास देखना है, अंदर छोड़ना है। मुझे तो पास नहीं, कुछ नहीं, फिर क्या करेंगे, उनको तो रुकाना है, आंदोलन छेड़ना है, अभी क्या करेंगे। तो गांव से 12 किलोमीटर मैं पैदल चली गई। हाँ। और मेरा बच्चा भी साथ लेके गई, बड़ा। हाँ। योगेश उस टाइम तो कितना, 8-9 महीने का था वो। अरे। तो उसको भी लेके गई और यहाँ से वहां तक सब SRP पुलिस बंदोबस्त जबरदस्त था। अच्छा। अभी क्या करेंगे,
मुझे पुलिस ने बताया कि वो ए मौसी उधर से जा, ए भाई उधर से जा, तो वो बोले हाँ बाबा हम उधर से ही जाते हैं। ऐसा डर 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 के मैं आगे निकल गई, और जब राज्यपाल की गाड़ी आ गई तो मैं अचानक सामने आ गई, सब गाड़ी का ताफा उधर रुकवाई मैंने। हाँ। और मेरा जो बच्चा था 9 महीने का, तो उसके उनके गाड़ी पर सुलाया, गाड़ी के बॉनेट पे, बॉनेट पर उसको सुलाया, बच्चों को सुलाया। और तो, उसके खिलाफ तो आने मैंने घोषणा दी कि बाबा तुम चले जाओ, दुष्काल है, लोगों को खाना देना है, ऐसा काम देना है हाथ को, उसको दाम देना है, ऐसा घोषणा दी मैंने। बच्चा तो उधर सुलाए थे, राज्यपाल गुस्से से बाहर आ गए और बोले ओ भाई तुझे बच्चा प्यारा नहीं है क्या, ऐसा वैसा कुछ तो बोल रहे थे। और उन्होंने क्या करा, मेरा बच्चा गाड़ी से उठाए। हाँ। खुद राज्यपाल अली और जंग जी ने, और मेरा बच्चा बाहर जमीन पर सुलाया और तो चले गए। हाँ। फिर मैं अंदर गई नगर पालिका के हॉल में गई, मैं और दूसरा एक आदमी, और वहाँ पे जाने के बाद वो मेरे बड़े बड़े आँख करके वो देख रहे ये कैसी इधर आ गई बोल के। और उन्होंने भाषण शुरू किया कि जब मैं लातूर को आया था कुछ नहीं था, आज बहुत प्रगति हो गई, लातूर आगे चला गया, और वो भाषण दे रहे थे, मैं खड़ी रह गई। कि राज्यपाल जी बोले कि तुम्हारे डाक बंगले को एक पत्थर को 5 रंग देने से लातूर प्रगति पथ पर नहीं रहता, तुम आगे चलो, झोपड़पट्टी में चलो, इधर चलो उधर चलो, स्लम एरिया देखो फिर बोलो। तो वो बोले इसको बाहर लेके जाओ। उसमें मैंने क्या किया, मेरे बच्चों को ऐसा चिमटा लिया, छोटे 9 महीने के बच्चों, वो इतना रोया कि बहुत रोया। फिर राज्यपाल बोले ए भाई तुझे लिकरू संभाल, तेरा बच्चा संभाल। अच्छा। तो मैंने बोली कि राज्यपाल जी हर एक माँ की एक तरह रहती है अपने बच्चों को संभालने की, उसे शांत करने की, तो मेरी भी है, तो मैं वैसा करूँगी यहाँ पे। तो वो बोले कैसा भी कर मगर बच्चा रोता संभाल ले। मैंने थैली से थाला और लाटना निकाले और बजाने लगी। वो बजाने के बाद सब पब्लिक उठ गई और सभा पूरी डिस्टर्ब हो गई, और वही डंक रख कर वो मेरे पूरे फैमिली को उन्होंने जेल में डाल दिया। मुझे बहुत खुशी है दो आंदोलन से, एक मराठवाड़ा विद्यापीठ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम देने के लिए मैंने बहुत संघर्ष किया और उसमें सफलता मिल गई, और दूसरा आंदोलन था कि SCC फी माफी का आंदोलन था। उस टाइम 1973 में बहुत बड़ा दुष्काल महाराष्ट्र में था, तो उस टाइम हो गया क्या कि लोग तो अपने बच्चों को स्कूल में भेजते थे। हाँ। उनको परीक्षा के लिए फी भरते थे। हाँ। मगर लड़कियों का स्कूल बंद कर रहे थे और उनकी फी वो नहीं भरते थे। तो इसका मुझे जब पता चला तो मैंने 12,000 लड़कियों का आंदोलन छेड़ा लातूर में। 1973 की बात है। क्या बात है। और सरकार से डिमांड की कि ये लड़कियों की फीस जो है माफ होना चाहिए, माफ कर ताकि लड़कियां। और अभी मुझे खुशी होती है कि यहाँ पे जब मंत्रालय में आती हूँ तो वो बोलते हैं मैडम तुमने वो आंदोलन कर दिया इसलिए हमने पढ़ा, और वो पढ़ने के बाद हमको यहाँ पे नौकरी मिल गई। इतनी खुशी मिलती है कि ऐसा लगता है कि वो मेरी ही लड़की है। क्या बात। तो ऐसा आंदोलन, इनकी उम्र उस टाइम इनकी उम्र महज 17 या 18 साल की थी। इतनी कम उम्र में आपने इतना बड़ा काम किया। ओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सोच है पूर्ण शक्ति संस्थान की। पहले आपको मिलवाते हैं राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण की डायरेक्टर रश्मि सिंह जी से, जिनको भारत के राष्ट्रपति महोदय ने स्त्री शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया है। पूर्ण शक्ति का हमारा आधार यह है कि महिलाएं पूरी रूप में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक तौर पे सशक्त हों
और उस सशक्तिकरण के लिए उन्हें चाहिए क्या? अवसर चाहिए। अवसर चाहिए अच्छी शिक्षा की। शिक्षा के पहले तो पैदा होने का अवसर। बच्ची जब पैदा होती है तो मातम नहीं मनाएं। बच्ची जब पैदा होती है तो एक खुशी की लहर आनी चाहिए, और जो प्राथमिकता एक बच्चे के पैदा होने पे, बेटे के पैदा होने पे जो मिलती है, उससे दुगनी खुशी जो है वो लड़की के पैदा होने पे मनाई जाए। तो यह जो प्रयास था, इसका नाम हम लोगों ने दिया बेटी जन्मोत्सव। सुनीता और उनके जो नारी दल हैं, उनका हम लोग स्वागत करेंगे कि वह भी जाएं, और पाली के जो बालिका जन्मोत्सव में जाकर वह भी उसमें भाग लें, और देश के कोने कोने में जो बालिका जन्मोत्सव की जो एक लॉ है, उसको एक साथ मिल करके उस लॉ को वो जलाएं। सुनीता जी, एक बात बताओ, आपने बेटी बचाओ आंदोलन कब शुरू किया? अभी उसको तो 10 बरस हुए होंगे। हमारे काम शुरू हो गया वो हुंडा बंदी से, क्योंकि एक हमारे गांव में एक लड़की को जिंदा जाला था दहेज आप दहेज मतलब, के लिए। अच्छा, हाँ, अच्छा ठीक है। तो उससे हमने शुरुआत की, उसका बहुत ही चर्चा हो रहा था। तो उसी टाइम मैं जिला परिषद सदस्य थी, चुन के आई थी, तो उसमें मैंने ये आंदोलन छेड़ने के लिए शुरुआत की। 1974 में पहली इलेक्शन मैंने लातूर से लड़ाई नगर परिषद के, और 2 पुरुष थे मेरे खिलाफ, तो वो दोनों का भी डिपॉजिट जब्त करके, वो मेरी उम्र थी 16 साल, 16-17 साल के, तो उसमें मैं लातूर में चुन के आई। और आज तक इन्होंने 6 इलेक्शन जीते हैं। 6 इलेक्शन, और कौन से भी इलेक्शन अभी तक हारे नहीं, हारे नहीं, सब इलेक्शन जीत चुके। इसी को कहते हैं स्त्री शक्ति। स्त्री शक्ति सही है, स्त्री शक्ति की सच्ची मिसाल हो आप सुनीता। तो अभी ऐसा काम करते करते नगर परिषद में 2 बार चुन के आई, उसके बाद झेडपी में 2 बार चुन के आई, अभी महाराष्ट्र राज्य हाउसिंग फाइनेंस, पूरा महाराष्ट्र मतदार संघ है मेरा, सभी जिले में मेरे मतदार है, तो उनसे मैं अभी 2री बार चुन के आई डायरेक्टर बोल के, और वाइस चेयरमैन भी हाउसिंग की महाराष्ट्र की बन गई। तो मैं ऐसे इसका फायदा मैं झोपड़पट्टी, पानी, महिला का दहेज, ये सब में मैं काम करती हूँ। ऐसा कौन सा भी प्रॉब्लम नहीं है कि मैंने उस पर काम नहीं किया और उसका यश मुझे नहीं मिला। मैं सब में काम करती हूँ। सुनीता जी, एक पुरानी कहावत है, एक कामयाब इंसान के पीछे, आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन आपके केस में ये थोड़ा उल्टा ही है, क्या बोलेंगे इसके बारे में आप? मेरा जो आज मैं समाज में खड़ी हूँ, समाज का काम करती हूँ, इसका पूरा श्रेय मैं हस्बैंड को देती हूँ। क्या बात है। सुनीता जी से मिलने और इनसे बातें करने के लिए अब हमारे बीच आ रहे हैं हिंदी और मराठी फिल्मों के और टीवी शोज के जाने माने कलाकार मिस्टर उदय टिकेकर। तालियों से स्वागत कीजिए उदय जी का। उदय जी, स्त्री शक्ति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, सुनीता जी के पिता ने इनको खुद मारने की कोशिश की थी, और एक बार नहीं, 3 बार। क्या कहना चाहेंगे आप इस मानसिकता पर? मेरी अपनी बेटी है जी। मैं बहुत प्यार करता हूं उससे। जान से मारने वाली बात तो दूर, मैंने अपनी पत्नी को 1-2 बार शायद उन्होंने हाथ उठाया था मेरी बेटी पे, और मैंने ऐसा डांट दिया था उनको, मैंने बोला उंगली नहीं लगाना, बस हाथ नहीं उठाना, जो चिल्लाना चाहती हो, समझाना चाहती हो, प्यार से। अभी भी मैं बोल रहा हूँ ना, तो मुझे कुछ हो रहा है, जैसे पता नहीं, मैं पहली बार शायद जिंदगी में बहुत अनसेटल्ड हूँ अभी भी, जो बात कर रहा हूँ इनके बारे में सुन के। क्या बोले, मतलब इस एटीट्यूड को, जो अपनी बेटी को मारना चाहे, माफ कीजिए आपके पिता है वो, लेकिन ये सोच ही बहुत ही घटिया है। लेकिन उदय जी, बहुत अफसोस की बात है कि ये सब हो रहा है और आज भी हो रहा है। मेरे ख्याल से अभी जो
सुनीता जी जो अभी काम कर रही हैं, उनके साथ जो हुआ मेरे ख्याल से मैं बात नहीं करना चाहूँगा कि उसको दोहराने में कोई मतलब, हाँ दर्शकों को और हमको सबको उसको बस समझना चाहिए सबसे पहली बात, और अगर हम ये बात समझें तो हम हमारे पड़ोसी को, हमारे दोस्त को, सबको ये बात समझा दें कि जो हमने समझा हम आपको समझा रहे हैं जी। तो ये घर घर से, अड़ोस पड़ोस से ये बात शुरू होनी चाहिए। लातूर की सुनीता जी तो हैं ही, तो मेरे ख्याल से हर हर घर में एक सुनीता पैदा होनी चाहिए, और वो जब तक नहीं होता तब तक ये बात फैलेगी नहीं, लोग समझेंगे नहीं। जैसे घर घर में एक सुनीता जी होनी चाहिए, वैसे एक घर घर में मिस्टर सुनीता भी तो दिल्ली जी होनी चाहिए। बहुत सही बात है। माफ कीजिए मैंने आपका जिक्र नहीं किया, फोकस मैंने, जैसे मैंने कहा मैं इतना बौखलाया हुआ था, अभी भी हूँ, तो सिर्फ फोकस उन पे रहा, लेकिन ये जो है ना, ये मिस्टर, ये हर घर में ये मिस्टर होना बहुत जरूरी है इनका। उदय जी मैं आपको बताना चाहूंगी, इन्होंने समाज सुधार का काम अकेले नहीं किया, बहुत सारी महिलाएं इनके साथ जुड़ी हुई हैं, इनका एक महिला मंडल भी है। सुनीता जी उसके बारे में कुछ बताइए। हम अभी महिला मंडल के सब महिला मिलकर स्त्री अत्याचार विरोधी काम करते हैं, जिसमें सास और बहू का झगड़ा होता है वो मिटाने का काम करते हैं, और जिसमें हुंडा, शादी के पहले हुंडा देना पड़ता है, बातचीत होते हैं उसके खिलाफ, मतलब दहेज, तो दहेज के खिलाफ हम काम करते हैं, और लेक वाचो अभियान ये भी हम अभी चलाते हैं। और महत्वपूर्ण दूसरा काम यह है कि वो लड़की को पढ़ाओ। हाँ। जब ये सब चीजें हम करेंगे तो वो खुद के पैर पर खड़े होगी, आत्मनिर्भर बनेगी, और आत्मनिर्भर बनने के बाद वो अत्याचार जो करते हैं उसके खिलाफ वो कुछ ना कुछ तो कर पाएगी, आवाज उठाएगी, इस वास्ते उसको सिखाना बहुत ही जरूरी है, इसमें हम सब मिलके काम करते हैं। बहुत बढ़िया बात है। तो उदय जी जैसा आपने सुना कि इतने बड़े बड़े कामों पे ये और इनके साथ महिलाएं काम कर रही हैं ताकि समाज में कुछ सुधार आ सके, आपको क्या लगता है इस बारे में? ये तो मतलब सबसे बढ़िया काम आज तक मैंने जिन लोगों का सुना उनमें से एक है ये जो कर रही हैं। लेकिन मेरे आपसे विनती ये है कि जितनी महिलाएं हैं उतने मर्द भी उसमें मेंबर्स शामिल कर लो, क्योंकि मेरे ख्याल से हम मर्दों को औरतों की तरफ देखने का नजरिया बदलना बहुत जरूरी है, सोच बदलने की बहुत मतलब इतना ही अगर बदल दें कि औरत एक इस्तेमाल करने वाली चीज नहीं है। तो आपकी इन बातों को सुन के मैं हमारे दर्शकों से उम्मीद करूंगी हमारी इन बातों का शायद थोड़ा सा असर आप लोगों की सोच पर पड़े और आप अपनी सोच बदलें। उदय जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे स्त्री शक्ति के मंच पर आने का और हमारे साथ इतनी अच्छी बातें करने का। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से वापस लौटने के बाद हम आपको मिलवाएंगे फिल्म इंडस्ट्री के एक लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर से। से स्वागत कीजिए संगीत जगत के लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर रविंद्र जैन जी का। रविंद्र जी आज हमारे साथ सुनीता अरडीकर जी हैं जी, और जैसा कि आप जानते हैं इनके खुद के पिता ने इनको मारने की कोशिश की क्योंकि उन्हें लड़की नहीं चाहिए थी, तो इस बात पे आप क्या कहेंगे? पहली बात तो यह है कि मैं ऐसे मानव को पिता मानने को तैयार नहीं हूँ, जिनको स्त्री शक्ति का आभास नहीं है, उनकी विवशता तो मैं नहीं जानता लेकिन उनकी जहालत पर अफसोस ज़रूर कर सकता हूँ, और सुनीता जी को प्रणाम करता हूँ उनके अदम्य साहस के लिए, और मैं नहीं समझता कि आज हर जगह ऐसी मानसिकता है। हो सकता है कि रिमोट ब्लेजेज में या कहीं राजस्थान में इंटीरियर्स में लोगों का ऐसा सोचना हो जी, लेकिन अगर ये सोच अभी भी है तो बड़े खेद का विषय है, क्योंकि मैं नहीं समझता कि नारी का कोई रिप्लेसमेंट है। दादू जी लड़कियां पहले भी मारी जा रही थी,
आज भी मारी जाती है, तो मर्दों की पुरुषों की सोच बदलने के लिए क्या आप हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि मैंने अपनी माँ, बहन, मौसियाँ, भाभियाँ और बेटियाँ सबसे असीम स्नेह और निश्चल स्नेह पाया है। अब जब दिव्या मेरे जीवन में धर्मपत्नी बन के आ गई तो मैंने ये अनुभव किया कि एक स्त्री के कितने रूप हो सकते हैं, और उसके लिए एक संस्कृत का श्लोक मुझे बहुत अच्छा लगता है, कार्येषु दासी करणेषु मंत्री, कार्येषु दासी करणेषु मंत्री, दानेषु देवी क्षमया धरित्री, भोज्येषु माता शयनेषु रम्भा, षट धर्म युक्ता कुल धर्म पत्नी। वो कहते हैं कि कार्य करने के समय दासी की तरह काम करती है, सलाह देने की तरह मंत्री है सलाह देने के समय, दान देने के समय देवी है, भोजन कराते हुए माता है, और शयन के समय रंभा है। तो ये छह धर्मों से युक्त कुल धर्म पत्नी है, तो उसका आभार व्यक्त नहीं किया जा सकता। और यही कहूँगा कि ऐसी मानसिकता अगर और भी कहीं अभी जिंदा है तो हमारे सुनीता जी से शिक्षा लें और उसको दूर करें, और मैं ये दुआ करूँगा कि स्त्री शक्ति का आदर सीखें और उसकी गरिमा को जानें, उसकी महिमा को धूम मिलना करें। एक कविता जो मैंने अभी बैठे बैठे यहाँ आपके इस स्त्री शक्ति के कार्यक्रम के लिए लिखी है, आप प्लीज अभी सुनाइए, हम सब सुनने के लिए बेताब हैं। जगत कारिणी जगत धारिणी जगदम्बा है नारी, जगत कारिणी जगत धारिणी जगदम्बा है नारी, महापुरुष युग पुरुष इसी ने जाए हैं अवतारी, महापुरुष युग पुरुष इसी ने जाए हैं अवतारी, सेवाओं का पुरस्कार यूं पाती है बेचारी, सेवाओं का पुरस्कार यूं पाती है बेचारी, कहीं गर्भ में कहीं जन्म लेते ही जाती मारी, कहीं गर्भ में कहीं जन्म लेते ही जाती मारी, राजा पुत्र को ढूंढे अपना राज चलाने वाला, राजाओं को पुत्र चाहिए राज चलाने वाला, और व्यापारी सुत ढूंढ रहे व्यापार बढ़ाने वाला, व्यापारी सुत ढूंढ रहे व्यापार चलाने वाला, कुलदीपक के चाहने वालों को इतना समझा दो, कुलदीपक के चाहने वालों को इतना समझा दो, मातृशक्ति बिन कहां से जग में आएगा आने वाला, मातृशक्ति बिन कहां से जग में आएगा आने वाला। और ये चार पंक्ति आपको, आप अदम्य साहसी हैं, है नाम आपका नाम सुनीता, आप अदम्य साहसी हैं, है आपका नाम सुनीता, रूढ़ियों को आपने बदला, रूढ़ियों को आपने बदला, सारे जग को जीता, रूढ़ियों को आपने बदला
सारे जग को जीता, हमें जिंदगी देने वाली नारी शक्ति रहे जिंदा, आदि शक्ति रहे जिंदा, मातृशक्ति रहे जिंदा। अब वक्त है पिछले एपिसोड के विनर का नाम जानने का। पिछले हफ्ते पूछे गए सवाल का सही जवाब है माई के जीवन पर बनी फिल्म का नाम है मी सिंधुताई सबकार, और विजेता है गुरमीत सिंह उत्तराखंड से। हमारा आज का सवाल है, सुनीता जी कितने दिनों की थी जब उनके पिता ने उन्हें जमीन में गाड़ दिया। स्त्री शक्ति के अगले एपिसोड में आपको एक और संघर्ष भरी दास्तान दिखाएंगे। तब तक खुश रहिए और खुशियां बांटिए। शुभ रात्रि। स्त्रियों को ज्यादा पढ़ाया नहीं जा सकता था, क्योंकि समाज ये सोचता था कि स्त्रियों को पढ़कर करना क्या है, आखिर चूल्हा चक्की के सिवा है क्या। मेरे मामा जी तो ये कहते थे कि लड़कियों को पढ़ाना ठीक तो खैर है ही नहीं, लेकिन उनको ज्यादा देर घर में रखना मतलब जहर की पुड़ियों को घर में रखने के बराबर है। मेरा जन्म हुआ है धारावी मटुंगा लेबर कैंप। ऐसी जगहों पे क्या है कि लोग एंटरटेनमेंट के जरिए जीते हैं, तो हर जगह लाउडस्पीकर चलता रहता था, तो मुझे डांस का शौक पैदा हुआ। हर जगह डांस के प्रोग्राम्स होते रहते थे। स्कूल से आता था, काम भी करता था, और काम करके फिर लुंगी और बनियान लेके मैं उन सबक उनके गाने पर डांस करने भागता था।